हेलो माय ऑल फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे भाई बढ़िया रहना। तो आप जो कॉन्फिग फाइल यूज़ करते हो तो उसके बाद तो आपके हैकर भर भर के आते होंगे गेम में, और जो आप मैच मेकिंग की प्रॉब्लम है वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फेस करने को मिलती होगी। तो आप इस वीडियो में बने रहना, मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूँगा कि काफ़ी बंदे मुझे यार कमेंट करते हैं कि मेरा भाई कॉन्फिग फाइल में यार मैच मेकिंग की प्रॉब्लम आ रही है या फिर मेरे हैकर आ रहे हैं यार बिल्कुल। तो मैं आज इसकी वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लेना यार, 102 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा दोस्तों जिससे आपकी कोई भी हैकर नहीं आएगा और बिल्कुल फेयर प्लेयर है। क्लासफिट खेलिए, आप पुश कीजिए विद कॉन्फिग फाइल दोस्तों। आप कोई सा भी हैक लगाइए किसी भी यूट्यूबर का, तो आपको हैकर नहीं आएंगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। लेकिन उसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, वीडियो को देख लेना। और जो आपको मैं अभी प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास वो एप्लीकेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों फ्री फायर प्लस फ्री फायर मैक्स दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने डिवाइस में। फ्री फायर जो आप फ्री फायर खेलते हो तो आपको फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो आप फ्री फायर मैक्स खेलते हो तो आपको फ्री फायर डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फ्री फायर की। तो दोस्तों दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको सेम आईडी दोनों में लॉगिन करनी पड़ेगी। दोनों में लॉगिन करने के बाद जो आप फ्री फायर में मतलब फ्री फायर मैक्स में जो हैक लगा रखा है तो आपको फ्री फायर में हैक नहीं लगाना है, और जो आपने फ्री फायर में हैक लगा रखा तो आपको फ्री फायर मैक्स में हैक नहीं लगाना। आपको एक ही फ्री फायर में, चाहे फ्री फायर में हैक लगा लो या फिर फ्री फायर मैक्स में हैक लगा लो, आपको सिर्फ एक ही मतलब एप्लीकेशन में हैक लगाना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सेम आईडी लॉगिन कर लेनी है दोनों में, जिससे आप खेलते हो सेकंड आईडी अपने उस हैक लगा के। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, अपना जो फ्री फायर मैक्स में हैक नहीं लगाया तो उसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले उसको स्टार्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ से आपको क्लास क्वेड या फिर कोई भी रैंक ब्रमोडा वहाँ से कर लेना, वहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद वहाँ से मैच स्टार्ट हो जाएगा, और अगर सामने फेयर प्लेयर आएंगे जैसे क्लास क्वेड स्टार्ट किया तो वहाँ से आपको क्लास क्वेड में फेयर प्लेयर आएंगे दोस्तों सामने, तो वहाँ से आपको गेम को जब मैच स्टार्ट हो जाए तो गेम को बीच में से काट देना है। फिर आपको अपना फ्री फायर जो नॉर्मल है जिसमें आपने हैक लगा रखा है उस फ्री फायर को स्टार्ट करना है दोस्तों। उस फ्री फायर को स्टार्ट करने के बाद आपको मतलब कंप्लीट होने के बाद रिकनेक्टिंग होगा। रिकनेक्टिंग होने के बाद दोस्तों वो आपको वही फ्री फायर मतलब जो मैच आपने लगाया था फ्री फायर मैक्स में उसी मैच में लेके आएगा, और वहाँ पे बिल्कुल भी कोई हैकर नहीं आएगा और मैच मेकिंग भी आपके काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी। जो वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जो आप प्रैक्टिकल चाहते हो तो मैं आपके लिए फ्री फायर मैक्स मतलब जो मैं फ्री फायर एक मैक्स है जो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसको डाउनलोड करके आपको खुद बताऊँगा कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस है। तो वीडियो लाइक कर देना जो वीडियो पसंद आई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बैकअप चैनल है दोस्तों उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी कॉन्फिग फाइल और ऐसे रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। Peace.